दोस्तों अगर आप फेसबुक यूजर हो और अपने प्रोफाइल पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन अगर इनेबल है तो आप देखेंगे लॉग इन करने के टाइम पे आपको ओटीपी मंगा जाता है। अगर आप सही से ओटीपी नहीं दे पाते हो तो आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है यहाँ पर लॉग इन ही नहीं होता। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने फेसबुक पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को कैसे अपने ऑफ कर सकते हो। या तो आप चाहते हो कि मेरे प्रोफाइल जो है और भी सिक्योरिटी के साथ साथ और भी सिक्योर रहे तो आप चाहे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को आप इनेबल भी कर सकते हो। तो गाइस बहुत बार ऐसा भी होता है, आप मान लीजिए अपना फ्री फायर जो अकाउंट है वो फेसबुक से लिंक है या पबजी अकाउंट जो है फेसबुक से लिंक है तो हम लोगों को फेसबुक का आईडी पासवर्ड देना पड़ता है अपने फ्रेंड को। तो ऐसे में जो फ्रेंड है वो लॉग इन करता है ओटीपी की वजह से लॉग इन नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे यहाँ पर ओटीपी के कोई भी झंझट ना रहे, सिंपल हम लोग आईडी पासवर्ड देने से ही लॉग इन हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा कैसे अपने फेसबुक पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को कैसे अपने इनेबल भी कर सकते हो या तो चाहे तो आप यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हो। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले फेसबुक का जो बड़ा वाला ऐप है आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपना आईडी पासवर्ड आपको लॉग इन करके ओपन में क्लिक करना है। और गाइस उसके बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट में आपको क्लिक करना है। और थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन। तो दोस्तों सेटिंग का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और सेटिंग का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि पासवर्ड सिक्योरिटी और भी काफी सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको सिंपल आपको यहाँ पर आपको टच करना है। यहाँ पर जैसे आपने टच करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पर ही आपको मिल जाता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को इसी ऑप्शन को ऑफ करने के लिए यहाँ पर हम लोग को टच करना है। यहाँ पर जैसे हम लोग टच करेंगे अपना जो भी आईडी है यहाँ पर जो भी अपना प्रोफाइल से जो भी लॉग इन किया गया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक से लॉग इन किया है तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राकेश दास जो भी फेसबुक का अकाउंट है यहाँ पर हम लोग टच करेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन जो कि हम लोग को मिल जाता है। तो गाइस अभी सबसे पहले जो ऑप्शन आता है टेक्स्ट मैसेज, तो ये जो ऑप्शन है यही है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन, इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो एक बटन आपको देखने को मिल रहा है तो ये देखिए ये मोबाइल नंबर का लास्ट जो कि भी आपने मोबाइल नंबर दिया हो तो उसी लास्ट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इसी बटन को हम लोग को ऑफ कर देना है। जैसे हम लोग इसी बटन को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे आपको आ चुका है टर्न ऑफ का ऑप्शन। जैसे हम लोग यहाँ पर टर्न ऑफ में हम लोग टच करेंगे और यहाँ पर फाइनली जो कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑफ हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से ही आप चाहे तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को आप चालू भी कर सकते हो। टेस्ट मैसेज जो एसएमएस जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको टच करके सिंपल आपको मोबाइल नंबर फर्स्ट टाइम को ऐड करना है तो आपको वहाँ पर फर्स्ट टाइम को पासवर्ड भी देना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, फिर वहाँ से अपने सिंपल ओटीपी देने के बाद अपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन को आप इनेबल कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से काफी आसान से अपने फेसबुक प्रोफाइल पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्टार्ट गो चाहते हो वहां पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।